हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए कम तेल में करेले बनाना सिखाऊंगी। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है वो करेले नहीं खा पाते हैं, तो इस तरीके से हाफ बॉइल्ड करेले कर सकते हैं, बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इसके लिए मैंने करेले ले लिया है और इसमें हरी मिर्च डाल दी हैं। फिर इसमें मैं डालूंगी हींग, जीरा, जीरा को थोड़ा चटकने तक डालूंगी। गैस मेरी स्लो पर है, स्लो कर रखे हैं ताकि मसाले ना जले। फिर मैं डालूंगी हल्दी, हल्दी डालकर थोड़ा सा चलाकर हल्दी से ये इसका कच्चापन निकल जाएगा। हल्दी पहले डाल देंगे हम, बाकी के मसाले फिर हम पीछे से ऐड करेंगे। ये हमने सारे करेले डाल दिए हैं, अब इनको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा चलाएंगे ताकि हल्दी इन पर कलर इनका अच्छे से हो जाए। हमको इसको एक मिनट तक हाई फ्लेम पर चलाना है। अब मुझे चलाते हुए एक मिनट हो चुका है हाई फ्लेम पर। अब मैं इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं उनको ऐड करती हूँ, जैसे कि पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच और खटाई यानी कि आमचूर 2 चम्मच, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हो, चम्मच के स्वाद अनुसार, अपने स्वाद अनुसार। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैं थोड़ा हल्का ही खाती हूँ इसीलिए। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़ा चम्मच सौंफ, इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले लगा रखा था एक रात के लिए, इसलिए नमक को मैं हल्का ही रखती हूँ ताकि नमक उसमें पहले से ऐड होता है। फिर इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई करके कुछ देर इसको चलाती हूँ ताकि जो मसाले अच्छे से इसमें मिल जाएं। और ये कोलेस्ट्रॉल वाले, डायबिटीज़ वाले जो होते हैं वो इन करेलों को खा सकते हैं, क्योंकि ये हाफ बॉइल्ड हैं, कम ऑयल में बनाए जाते हैं और ये टेस्टी भी लगते हैं। आप एक बार इनको कम ऑयल में बनाकर देखिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब मैं इनको कुछ देर लो फ्लेम पे बनने के लिए ढक देती हूँ। ये देखिए मेरे करेले थोड़ा हल्के हल्के अब पक गए हैं, ये मैंने स्लो पर पकाए हैं। ये 0 कोलेस्ट्रॉल वाले करेले हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल वाले, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है और करेले खाने का मन करता है तो वो इस तरीके से बना सकते हैं कम तेल में। इसको मैं 5 मिनट के लिए स्लो पर और रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। यह देखिए ये थोड़ा थोड़ा अब स्लो फ्लेम पर भुन गए हैं, जिसको हम रोस्टेड भी कहते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनके लिए करेला कितना फ़ायदेमंद होता है, तो वो इस करेले को भी खा सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक वालों को ज़्यादा मिर्च मसाले मना होती है, नहीं खा सकते हैं वो। तो कम ऑयल में कम मिर्च मसाले के साथ इस तरीके से बना सकते हैं। जिनको बीपी हाई है, बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खा सकते हैं, तो वो इस तरीके से बनाएं करेले कम स्लो
मसाले में, कम ऑयल में। कभी कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो कम मसालों में या कम तेल में ही अच्छी लगती है, ज़्यादा मिर्च मसाले किसी चीज़ में नहीं अच्छे लगते हैं। और ये मेरे करेले तैयार होने वाले हैं। देखिए मैंने इनको बर्तन में से ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में से, और ये इस तरीके के बने हैं। स्लो मसाले के साथ, कम ऑयल के साथ आप इनको सर्व करें, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये है मेरी आज की रेसिपी, कम ऑयल वाले करेले। राधे राधे।